आज जो है जो यूनिक स्पाइस फूड के पास मैं आया हूँ खास तौर से, और ये दुकान का नाम है, यहाँ पर मोमो, फ्राई मोमो, पनीर मोमो, चाउमीन, मंचूरियन, इस तरह यहाँ चाउमीन, फ्राइड राइस, मंचूरियन फ्राइड राइस और मंचूरियन पनीर राइस बिकता है। ये सरकारीपुरा में है, ये मरवाड़ी के पास ही स्थित है। तो यहाँ सरकारीपुरा में जो है कि ये जो है कि यूनिक स्पाइस फूड के नाम से दुकान खुले हुए हैं। तो खास तौर से आज हम इनका इनके दुकान का जो है कि मंचूरियन राइस का प्रयोग करेंगे और मतलब और इसके बारे में जानेंगे किस तरह का मंचूरियन राइस मतलब है, और खाकर देखेंगे भी कि किस कितने धर्मपुर की तरफ कितने नंबर मिलते हैं। तो आज हम इनका मंचूरियन राइस जो है खाकर प्रयोग करेंगे और टेस्ट लेंगे। तो आज क्या बना रहे हैं, मंचूरियन फ्राइड राइस? अच्छा, तो कहाँ के रहने वाले हो? बनारस, मतलब बनारस में कहाँ? बगल के सरकारीपुरा के रहने वाले हो, दुकान लगाते हैं आप। तो ये जो है कि मंचूरियन राइस बनाएंगे, फ्राइड राइस जो है, तो आप बना के दिखाइए किस तरह बनाते हैं। बनाइए, तो ये क्या तेल डाले हैं इसमें? ऑलिव ऑयल। और क्या ये सलाद? ये आपका हो गया शिमला मिर्च और प्याज। अच्छा अच्छा, तो दुकान पर क्या क्या आप रखे हैं देखिए जरा सर। तो ये सब है, सलाद है, सलाद मोमोज है, मोमोज है, ये दिखा देते हैं, ये मोमोज है, ये मंचूरियन का बॉल है, ये मंचूरियन का बॉल है, ये मंचूरियन की ग्रेवी है, ग्रेवी है, और ये जो है कि मंचूरियन का बॉल है। और खास तौर से ये मिट्टी और खट्टी चटनी सब है, ये सब ये तो बोतल में आता है, बोतल में आता है। तो ये जो है कि तो एक बार बताइए क्या बनाने जा रहे हैं आप? मंचूरियन फ्राइड राइस। मंचूरियन फ्राइड राइस बनाने जा रहे हैं। तो आज जो है इनका मंचूरियन फ्राइड राइस हम खा कर देखेंगे। सरकारीपुरा में हम आए हैं खास तौर से, और जो है कि यूनिक स्पाइस जो है कि फूड के नाम से इनका दुकान है, और आज देखते हैं खाकर जिनका। ये चावल है, कौन सा चावल प्रयोग करते हैं आप लोग? ये है गोल्डन राइस, इसे बोलते हैं। उसके बाद ये बॉल को डालेंगे इसमें, बॉल डालेंगे। बाल किस चीज़ का बनता है? ये आपका रहता है, इसमें मैदा रहता है और सब वेजिटेबल्स डाला रहता है, पत्ता गोभी, गाजर हो गया, शिमला मिर्च, ये सब। नमक डालेंगे इसमें, काली मिर्च डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे, मसाला हो गया, सोया सॉस डाल देंगे, सोया सॉस डाल देंगे। ये क्या चीज़ है? ये आपका हो गया चिली सॉस, चिली सॉस, और ये टमाटो सॉस, टमाटो सॉस मिला रहे हैं। ये आपका मैक्सिमम 5 मिनट में पूरा तैयार होगा। जैसा कि देख रहे हैं कि 5 मिनट में ही जो है कि तैयार हो जाएगा। मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा यही डिमांड रहता है। अच्छा, ये इस समय लॉकडाउन से, नहीं तो स्कूल स्कूल खुला रहता है। हाँ हाँ, सर ये भाई तो इस तरह सत्ता परेशानी चल रहा है। डाल दिए हैं मंचूरियन की ग्रेवी, डालें इसको निकाल के दे रहे हैं। तो मतलब एक मतलब प्लेट कितने का पड़ेगा ये?
इसका 25 का भी है, 30 का भी है। अच्छा अच्छा। आज जो है हम लोग जो है मंचूरियन फ्राइड राइस खाकर देखेंगे कि जो है कि इनका स्वाद कैसा है मंचूरियन फ्राइड राइस का। और यूनिक स्पाइस फूड के अंतर्गत मैं देख रहा हूँ कि मतलब कि इनका जो है कि दुकान का नाम है यूनिक स्पाइस फूड, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो रिजम फूड की तरफ से मैं सरकारीपुरा में भी आया हूँ, अगर मैं इनका मतलब कि मंचूरियन फ्राइड राइस का स्वाद लूँगा तो खिलाइए जरा सा कि मंचूरियन राइस फ्राइड आपको। तो आज जो है कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मंचूरियन फ्राइड राइस है, आज इसको हम खाकर देखेंगे और इसके बारे में देखेंगे तो हम फूड की तरफ से कितना नंबर मिलता है और कैसा स्वाद है। चलिए मंचूरियन राइस फ्राइज का स्वाद देते हैं, टेस्ट देते हैं। जैसा कि देख रहे हैं ये सलाद है पत्ते गोभी का, ये मंचूरियन है जो इसको मिला के बनाया जाता है, और ये जो है नूडल्स है और ख़ास तौर से इसमें मिर्चे पड़े हुए हैं, और इसमें जो है कि उसके बाद इसमें गरम मसाला पड़ा है, नीचे चटनी पड़ी हुई है, और उसके बाद तीखी चटनी पड़ी हुई है, और सोया भी पड़ा हुआ है, और जो ये सब मिलकर इसका मिक्सचर जो है बहुत बढ़िया मतलब स्वाद बना रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें मंचूरियन राइस पड़ा हुआ है मंचूरियन से, और इसमें मैगी जो नूडल्स भी पड़े हुए हैं खास तौर से, तो जिसमें गर्म मसाला और जो है कि मीठी चटनी और जो है कि जो तीखी चटनी डालने से इसका स्वाद बढ़ जाता है। और हमारे हिसाब से तो जो है कि जो मंचूरियन राइस है फ्राइड राइस जो है कि बढ़िया है, और रिजम फूड की तरफ से इनको जो है कि 8 नंबर मिलते हैं। बहुत ही लजीज और बहुत ही बढ़िया है। तो मिलाकर जो है इनका जो है कि मंचूरियन फ्राइड राइस बढ़िया है, और खाने में भी बहुत स्वाद है, और इसमें जो है कि मसाला पड़ने से इसका जो स्वाद और भी बढ़ जाता है। तो खासतौर सरकारीपुरा में है, जब भी किसी को अगर खाना हो तो जो है कि खासतौर से यूनिक स्पाइस फूड के पास आकर तो इसका स्वाद ले सकते हैं। कभी भी आइए और स्वाद लीजिए, और सच में यहाँ पर आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और लेकिन एक बार जरूर यहाँ पर आकर ट्राई कीजिए मंचूरियन राइस का, ऐसे मोमो भी बिकता है यहाँ पर है, एक बार आके फास्ट फूड का ट्राई जरूर लीजिए आप। क्या नाम है तुम्हारा? ये सरकारी प्राक रहने वाले हैं, कब से दुकान लगा रहे हो? 4 साल। 4 साल से। तो मतलब कि रिस्पांस कैसा है? बढ़िया है। लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कैसा रिस्पांस है यहाँ का? ठीक है, लॉकडाउन की वजह से थोड़ा डाउन, लेकिन चल रहा है सही। अब बेटा कैसा लग रहा है खाने में? सही लग रहा है, बढ़िया लग रहा है ना? और भाई साहब कैसा है स्वाद? कई बार खा चुके हैं आप? मतलब जो बना रहे हैं बढ़िया बना रहे हैं? अरे बहुत नंबर एक का बनाते हैं, छोटा दुकान है लेकिन बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा अच्छा।